Hi students, so I am recording this video after the recent announcement from IFA, जो कल announcement आई है उस पर what should be the way ahead for actuarial students, especially Indian actuarial students, कि उनको आगे अब कैसे proceed करना चाहिए. सबसे shocking जो चीज़ थी वो थी हमारे non-member students के लिए, especially वो बच्चे जिन्होंने last September में preparation शुरू करी कि वो April 2020 में आके अपना non-member exam देंगे, जो कोरोना के चलते cancel हो गया. एंड देन दे थॉट कि वो सितंबर में एज अ नॉन मेंबर एग्जाम दे देंगे. जो सबसे बड़ा इशू प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ आया वो ये था कि सोसाइटी ने अनाउंसमेंट कल दी, दैट वॉज 27 मई, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर मेंबरशिप वॉज 4 मई. वो बच्चे मेंबरशिप के लिए अप्लाई इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको नॉन मेंबर एग्जाम देना था. वो स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज्यादा बुरा हुआ है. ऑब्वियसली आई वुड से बेटा प्लीज हिम्मत रखनी है अपने को, सबको. टाइम वेस्ट हुआ, हमारी पढ़ाई वेस्ट नहीं हुई है. हम आगे एग्जाम देंगे, हमारा एक साल डेफिनेटली खराब हुआ है. उस एक साल को खराब होने को लेके आपके मन में कभी ऐसा नहीं आना चाहिए कि मेरे को एक्चुअल ड्रॉप कर देना है एज अ प्रोफेशन, या मेरा कैसे करियर आगे बनेगा. कोई भी आपका फ्यूचर एम्प्लॉयर होगा वो इस चीज़ को डेफिनेटली कंसिडर करेगा आपके लिए कि ये एक साल जो आपका खराब हुआ वो सिनेरियोज क्या थे. पहला सिनेरियो COVID-19 था और दूसरा सिनेरियो हमारा सोसाइटी ने हमको एग्जाम देने से मना कर दिया. सोसाइटी अगर इन बच्चों को अलाउ कर देती है एग्जाम देने के लिए, मान लो आप सोचते हैं कि मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं, आप कर सकते हैं मेंबरशिप के लिए अप्लाई. मेंबरशिप पूरे साल खुली रहती है, मेंबरशिप कभी बंद नहीं होती है. लेकिन सितंबर एग्जाम देने के लिए लास्ट डेट हमारी 4 मई थी. एक ब्लीक चांस है कि आप शायद अप्लाई करो मेंबरशिप के लिए और आपकी मेंबरशिप एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट मैं आपको करने के लिए तभी बोलूंगा जब आप अपना पेपर टाइप करके देने के लिए तैयार हैं. सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे पास आया, मैंने जब सोशल मीडिया पे सारा पोस्ट डाला कि जो जो टेक अवेज थे यहाँ से, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के आए हुए हैं. आई एम रियली सॉरी कि मैं एक एक बच्चे के मैसेज को आंसर नहीं कर पाया हूँ वहाँ पे. मैं इस वीडियो के थ्रू आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं. सबसे बड़ा चैलेंज जो बच्चों के सामने आया वो ये था कि हम टाइप करके पेपर कैसे देंगे, हम मैथमेटिकल टाइपिंग कैसे करेंगे. आप लोगों का जो कंसर्न है एकदम जेन्युइन है. मैं आप लोगों की सारी प्रॉब्लम समझता हूँ. मैं खुद मैथमेटिकल टाइपिंग जानता हूं और मैं समझता हूं कि उसको टाइप करने में कितना इशू है बच्चों के लिए. आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की टाइपिंग स्पीड हो सकता है उतनी तेज ना हो नॉर्मल इंग्लिश के लिए भी. मैथमेटिकल टाइपिंग हमारे लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज हो सकती है अभी. तो अब हम कैसे जज करें कि हम मैथमेटिकल टाइपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो 3 घंटे 15 मिनट के एग्जाम में हम कैसे उस एग्जाम को पूरा करेंगे, वो हम कैसे चेक करें. तो मैंने ये सोचा, बच्चे आप 5 क्वेश्चन कोई भी उठाओ, आप उन 5 क्वेश्चंस को पेपर पेन पे जैसे आप नॉर्मली सॉल्व करते हो वैसे आप सॉल्व करो, और फिर आप क्या करो, वही 5 क्वेश्चंस बिना सोल्यूशन देखे आप टाइप करने की कोशिश करो वर्ड पे. यू विल बी एबल टू एनालाइज कि आप वो चीज कर पा रहे हो उस गिवन टाइम फ्रेम में या नहीं कर पा रहे हो. अगर आप मेरी एडवाइस मानोगे, मुझे बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है कि 3 घंटे 15 मिनट में कोई स्टूडेंट पूरा पेपर मैथमेटिकल टाइपिंग के साथ करके दे सकता है. हैड इट बीन CB1 CB2 का पेपर जहां इंग्लिश की टाइपिंग ज्यादा है, मैं फिर भी रिकमेंड कर देता कि आप ये एग्जाम दे दो जाके. CS एंड CM पेपर्स में बहुत सारे मैथमेटिकल सिंबल्स की जरूरत है, आप पूरा मैथ्स का पेपर दे रहे हो जाके. तो अगर आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट हो कि आप मैथमेटिकल टाइपिंग करके पेपर कंप्लीट कर ले जाओगे और आप पेपर पास कर सकते हो, बेटा तभी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करो, तभी आप एग्जाम फॉर्म भरो इस सेशन का. अदरवाइज मेरी तरफ से इट इज़ अ बिग नो कि आप इस सेशन में एग्जाम अपीयर करें. मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा. एग्जाम्स ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव हैं आज के टाइम में बच्चों के लिए. एक्चुअल धीरे धीरे हमारी लोअर मिडिल क्लास के लिए खत्म होता चला जा रहा है कि वो बच्चे उन एग्जाम्स को अपीयर कर पाएंगे, सोसाइटी ने इतना महंगा कर दिया. तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो प्लीज ये सोच समझ के करो कि वो पैसा एक बार गया तो वो वापस नहीं आना है. मेरे को एग्जाम पास करना है, मैं आपकी बात समझता हूँ. आपको भी लगता है कि मेरा करियर रुक गया एक साल से, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ एक साल से. आप सबके कंसर्न्स एकदम जेन्युइन है, बट हम वो पैसा वेस्ट कर दें उस चीज में, मैं वो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा. बहुत सारे इंडियन बच्चे हैं जो IFO से पेपर देते हैं. एक सेशन अगर इंडिया के बच्चे पेपर नहीं देंगे तो शायद IFO इस डिसीजन को रिकंसिडर करें कि वो हमारी प्रॉब्लम को समझे, और शायद वो उस डिसीजन को खाली सितंबर एग्जाम तक के लिए रखे और आगे के लिए वो डिसीजन चेंज करें. वो वापस या तो पेपर पेन टेस्ट पे आ जाए हमेशा के लिए, या फिर अगर वो चाहते हैं बच्चे ऑनलाइन एग्जाम दें तो उनको लिख के देने का मौका मिले, उस पेपर को स्कैन करके वो अपलोड करें. दैट इज द वे आउट आज की डेट में इंडियन स्टूडेंट के लिए.
आप इंडियन स्टूडेंट से अभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो मैथमेटिकल टाइपिंग करके 3 घंटे 15 मिनट में उस एग्जाम को पूरी तरह से खत्म कर लेगा। ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। आप CSCM पेपर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो समझते हैं, आपको कितने सारे मैथमेटिकल सिंबल्स के बिना आपका काम ही नहीं चलेगा। और दूसरी चीज ये है हमारे साथ, हम कॉपी पेन पे जब चीजें सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम साथ साथ इक्वेशन सॉल्व कर रहे अपना दिमाग लगा रहे हैं। क्या यही सेम चीज मैं टाइपिंग के साथ कर पाऊंगा? मैक्सिमम बच्चा तो बेचारा पहले पेपर पे सॉल्व करेगा उस चीज को, फिर वो उसको टाइप करेगा जाके। तो 3 घंटे 15 मिनट में कैसे वो उस पेपर को खत्म करेगा, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। अगर जो भी डिसीजन मेकर IFOA के हैं, सितंबर के लिए ये है, ठीक है, वहां तक ये डिसीजन हम समझ सकते हैं, हमारे बच्चे नहीं देंगे पेपर इस बार इस चीज को लेके, वो हम अप्रैल में एग्जाम दे देंगे जाके, आगे कोई इशू नहीं है, हम एक साल अपना ब्रेक ले लेंगे, हम आगे एक और नया पेपर पढ़ लेंगे, हम 2 पेपर दे देंगे जाके, वो हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम के साथ मैं बच्चों को बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि आप इस एग्जाम को अपीयर करें अनटिल अनलेस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप हाँ 3 घंटे 15 मिनट में इस पेपर को कंप्लीट कर लोगे। मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ, बस बच्चे प्लीज डीमोटिवेट नहीं होना है आपको किसी भी हाल में कि मेरा करियर हॉल्ट हो गया है, मेरा आगे क्या होगा। ये टफ टाइम है सबके लिए, ये निकल जाएगा, एंड आई एम डेफिनेटली कंसिडरिंग अदर ऑप्शन फॉर माई स्टूडेंट्स। जरूरी नहीं है कि UK और इंडियन सोसाइटी ही है जहाँ से मुझे एग्जाम देना है, मैं और ऑप्शंस भी आपके लिए कंसिडर कर रहा हूँ। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हमारे लिए और सोसाइटीज कौन सी हैं जहाँ से हम अपने एग्जाम्स अपीयर कर सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी UK से एग्जाम कर चुके हैं। एनीवेज इंडिया और UK में एग्जामेशन नहीं बचा है आज के टाइम में, आपस में UK अपनी एग्जामेशन पॉलिसी क्लोज कर रहा है, तो क्या हमें किसी दूसरी सोसाइटी की तरफ स्विच कर लेना चाहिए? वो ऑप्शंस भी मैं डेफिनेटली आपके लिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एंड आई विल वेरी सून कम अप विद अ वीडियो फॉर यू गाइस कि क्या हमारे लिए दूसरी सोसाइटी में स्विच करना आज की डेट में बेटर रहेगा। बट सितंबर एग्जाम के लिए मेरी एक ही सजेशन है, पेपर प्लीज तभी भरें जब आप कॉन्फिडेंट हैं मैथमेटिकल टाइपिंग को लेके। नॉन मेंबर वाले बच्चे मेंबरशिप के लिए तभी अप्लाई करें जब वो कॉन्फिडेंट है कि वो 3 घंटे में उस पेपर को क्लियर कर सकते हैं और टाइपिंग करके, मैथमेटिकल टाइपिंग करके पूरा कर सकते हैं, तभी आप इसमें आगे बढ़े बेटा। अदरवाइज गिव अ ब्रेक इस सेशन में, कोई एग्जाम अपीयर मत करो, आप और पढ़ाई करो, आप अपने पेपर को और अच्छे से तैयार करो जो आप पढ़ रहे थे, या कोई नया पेपर पढ़ना शुरू कर दो, कोई इशू नहीं है। एक साल में कहीं आपके करियर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मोटिवेशन लेके आपको चलना है। डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा, यहाँ से मैं क्या करूँ आगे, वो चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। We are there for you. We will guide you whatever best you can do. But मेरे आज की डेट की सजेशन है to drop this exam. Please don't appear for September exam until unless you are very confident with mathematical typing. कुछ और questions आपके रहते हैं आप definitely comment में नीचे डाल सकते हो, I will try to answer. लगता है जरूरत एक और video की है और आपके questions आते हैं तो I will definitely record video आप लोगों के लिए। In the meantime, keep studying. आप safe रहें अपने घर पे और please डीमोटिवेट ना हो, ये मेरा सबसे बड़ा सजेशन आप बच्चों के लिए है।